परीक्षित जी की कथा प्रसंग में महाभारत के अंतिम युद्ध प्रसंग को स्मरण करते हुए श्री सुखमनि श्री सूत जी महाराज ने बताया, बोले यदा मृधे कौरव श्रेजयाना वीरेश्वथो वीर गते गतेषु वृकोदरावेध गदा विमर्शो भगनो रुदंडे धृतराष्ट्रपुत्रे। भीम की गदा से दुर्योधन की दोनों जांघें टूट चुकी थी। युद्ध भूमि में पड़ा पड़ा कराह रहा था। अश्वत्थामा आया, वचन लेकर के गया, उल्लू से शिक्षा ली, पांडवों के पांच पुत्रों को मारा। अर्जुन ने जब अश्वत्थामा का मान मर्दन किया, ब्रह्मास्त्र से बचने का प्रयास किया, नहीं बच पाए, लेकिन बाद में द्रौपदी ने छुड़ा लिया। अश्वत्थामा तो बच गया, लेकिन वही ब्रह्मास्त्र उसने उत्तरा के गर्भ पर प्रहार किया। उत्तरा तुरंत भगवान की शरण में गई। श्री चरणों में प्रणाम करते हुए उत्तरा ने कहा, गोविंद मेरी रक्षा करें, मुझे बचा लो प्रभु। बोले पाहे पाहे महायोगिन देव देव जगतपते लाल्यं त्वदभयं पश्यो यत्र मृत्योः परस्परम्। चरणों में जाकर के गिर गई उत्तरा, गोविंद हे नाथ हे विश्वात्मन मेरी रक्षा कीजिए। भगवान ने कहा, उत्तरा आप अपनी रक्षा के लिए क्यों प्रयास कर रही हैं? क्या बात है, क्यों जीना चाहती हैं? पति नहीं रहे तो आप जी करके क्या करेंगे? भगवान का संभवतः ये भाव होगा। ला ला ला, उत्तरा बोली, नाथ मैं अपनी रक्षा के लिए नहीं, मेरे पेट में जो बालक है मैं इसकी रक्षा के लिए आपके चरणों में प्रार्थना कर रही हूं। भगवान ने कहा, बालक है या बालिका तुम्हें कैसे पता? क्या पता केवल मांस का लोथड़ा हो, कुछ न हो गर्भ में? जिसको तुमने देखा ही नहीं उसकी रक्षा के लिए प्रार्थना? तब उत्तरा ने प्रणाम करते हुए कहा, नाथ मैं अपने इस गर्भस्थ शिशु के लिए नहीं, मैं आपके चरणों में इसीलिए प्रार्थना कर रही हूं कहीं आपकी कीर्ति पर कलंक ना लग जाए। हमारी कीर्ति पर कलंक? आपके गर्भस्थ शिशु से हमारा क्या संबंध? उत्तरा ने हाथ जोड़ के कहा, गोविंद मैं मर जाऊं कोई दुख नहीं है। अरे ये नश्वर शरीर है, आज नहीं कल, कल नहीं आज, कभी भी चला जाए, शिशु से मेरा कोई वास्ता नहीं, कोई संबंध नहीं। लेकिन भविष्य में कहीं लोग ये ना कहें कि जिन पांडवों की रक्षा का भार स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने उठा रखा था, उनके वंश में कोई बीज भी नहीं बचा, उनके वंश में कोई पानी देने वाला तक नहीं बचा, आपकी कीर्ति पर कलंक न लग जाए, इसके लिए मैं आपके श्री चरणों में प्रार्थना करती हूं। भगवान ने गर्भ में प्रवेश किया और चक्राकार गदा घुमा करके परीक्षित जी की रक्षा करी। जरा विचार कीजिए, भारतवर्ष में अनेक मां हुई हैं जिन्होंने अपने गर्भ में किसी ने भक्त को किसी ने भगवान को धारण किया है। ये भारत भूमि धन्य है, यही भगवान के सारे अवतार होते हैं, क्योंकि यहां प्रकृति का जो संतुलन है ना
वो कहीं पूरे विश्व में नहीं है। छह ऋतुएं भारत में 365 दिन विराजमान रहती हैं। बरसात चाहिए कभी भी चले जाओ चेरापूंजी तरफ, ठंडी चाहिए उत्तराखंड तरफ चले जाओ कभी भी, गर्मी चाहिए साउथ इंडिया में चले जाइए दक्षिण भारत में। छह ऋतुएं रहती हैं, इसलिए भारत को माँ कहा गया है, भारत माता। किसी दूसरे देश को माता नहीं कहा गया। अमेरिका माता सुना है, चीन माता सुना है, रूस मैया सुना है, नाना भारत माता, क्योंकि माँ ही गर्भ में बालक को धारण करती है और भगवान तक को गर्भ में धारण करने वाली ये हमारी भारत माँ है, इसलिए भारत माँ। भारत, भा भा शब्द का अर्थ होता है ज्ञान और रत का मतलब होता है संपन्न, जो भा माने ज्ञान से संपन्न है। अरे हम तो कहते हैं ये भारत ही नहीं है, ये शोभा रत है, आभा रत है, प्रतिभा रत है, आभाओं से संपन्न है, शोभाओं से संपन्न है और प्रतिभाओं से रत है, संपन्न है, भरा पड़ा है, इसलिए भारत देश भारत भूमि धन्य है। कयाधु हुई, सुनीति हुई, ध्रुव प्रहलाद को गर्भ में धारण करने वाली, कौशल्या जी हुई, अदिति जी हुई, यशोदा जी हुई, भगवान को धारण करने वाली, लेकिन उत्तरा भारत में ऐसी पहली माँ है जिसने आज गर्भ में, जिसके गर्भ में भक्त भी हैं और भगवान भी हैं, परीक्षित जी भी विराजमान है और भगवान श्री कृष्ण भी विराजमान है, ऐसी उत्तरा माँ धन्य है। भगवान जाने लगे, माँ कुंती ने सुंदर स्तुति करी है, गोविंद आप चले जाओगे तो हमारा मन कैसे लगेगा, आपके दर्शन के बिना वैसे ही सारे राजा हमारे विरोधी होते जा रहे हैं और एक आप है हमें छोड़ करके जा रहे हैं। भगवान के वयम नाम रूपाभ्याम यदुभि सह पांडवाः भवतो दर्शनम यरिहि ऋषि काणा मिवेशितुः। गोविंद आप चले जाओगे हमारा मन नहीं लगेगा, ये वन उपवन पहाड़, ये यदुवंशी और ये पांडुवंश, इन सबकी शोभा आपके ही नाम रूप से है। आप नहीं तो कुछ नहीं, आप हैं तो सब कुछ है। आप नहीं है साथ में, यदि तुम साथ में हो तो ये घर घर लगता है, वरना इस घर में बहुत डर लगता है। गोविंद आपके बिना ये जीवन किस काम का, और यदि जा ही रहे हैं तो अथ विश्वेश विश्वात्मन विश्वमूर्ते श्वकेशु में स्नेह पाश मम छिंधी दृढ़म पाणदुषु वृष्णेशु। मेरी ये जो ममता की डोरी बंधी हुई है आप इसको नष्ट कर दीजिए। कुंती माँ ने बहुत सुंदर स्तुति करी, भगवान ने धीरे से कहा तथास्तु, अपने बुआ जी को आशीर्वाद दिया। भगवान जाने वाले, युधिष्ठिर जी को शोक हुआ, भगवान युधिष्ठिर जी को पितामह भीष्म के पास लेकर के गए, उन्होंने समझाया और अंत में हाथ जोड़कर भगवान की सुंदर स्तुति करी है। नाथ इति मति रूप कल्पिता भी तृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विभोम ने। भगवान मेरी इस बुद्धि रूपी कन्या को आप स्वीकार करें, पितामह भीष्म स्तुति कर रहे हैं। और स्तुति करते हुए पितामह भीष्म ने कहा, नाथ मेरी इस बुद्धि रूपी कन्या ने जिस आपका वरण किया है वो कोई साधारण नहीं है। आज के समय में भी कोई स्त्री यदि किसी पुरुष का वरण करती है तो कोई ना कोई विशेषता तो देखती होगी, और मेरी ये जो बुद्धि रूपी बेटी है इसने देखा क्या? सबसे पहले देखा सौंदर्य, आहा त्रिभुवन कमलम तमाल वर्णम रविकर गौर वराम्बरम दधाने, क्या सुंदरता है आपकी। मोर मुकुट कानन कुंडल सखी पीतांबर वनमाल पड़े हैं, पग नूपुर अरुकटिका छिनी है, कर में प्यारी सी मुरली धरे हैं, बिंब अधर मतवारे लैला मंद मंद मुस्कान खड़े हैं, और बाके की इस बाकी अदा पर एक नहीं यहाँ लाखों मरे हैं।
ऐसा सौंदर्य, अपार सौंदर्य, आहा सौंदर्य किम न सौंदरम, साक्षात सौंदर्य। और क्या क्या गुण देखे, आपका धैर्य, आपका शौर्य, आपका बल, आपका पराक्रम, आपकी अकारण करुणा वरुणालयता, आपकी कृपालुता, आपकी दयालुता, आपके शरण में आए हुए शरणागत भक्त की शरणागत वत्सलता का दर्शन किया। घट घट वासी परब्रह्म पूर्ण परमात्मा दे और संपूर्ण समाज में जिनकी प्रथम पूजा हुई, सारे गुण मेरी बेटी ने आप में देखे। देखो धैर्य कितना है। रथी को बैठाल कर सारथी जब रथ चलाता है ना, भगवान श्री कृष्ण सारथी थे और रथी है अर्जुन। आप लोग विचार कीजिए, अर्जुन की दोनों हाथ में धनुष बाण है। जब रथ चलाना होता है तो रथी को पैर के अंगूठे से इशारा करते हैं, सारथी को संकेत कैसे किया जाता है, पैर के अंगूठे से। बाई तरफ हल्का सा पैर का अंगूठा लगाया तो रथ बाई तरफ मुड़ गया, दाई तरफ लगाया तो रथ राइट साइड मुड़ गया। अब आप विचार कीजिए, परब्रह्म पूर्ण परमात्मा अपने सखा के कैसे इशारे पर चल रहे हैं, कितना धैर्य कि माथे से पसीना बह रहा है पर रथ की दिशा गलत नहीं हो रही है, अर्जुन की दशा बिगड़ने नहीं दे रहे हैं भगवान, वही वही स्थिति है। अर्जुन चले जा रहे हैं धुआंधार, युद्ध चल रहा है। अच्छा विचार कीजिए, भगवान का शौर्य, भगवान का ज्ञान, कुरुक्षेत्र जैसी भूमि में अर्जुन को क्या सुंदर अद्भुत ज्ञान दिया। पितामह भीष्म कहते हैं, और आपकी वो दया, वो आपकी कृपा मैं कैसे भूल जाऊं, मैंने प्राण ले लिया, पांच बाण निकाल करके रख लिए, कल पांचों पांडवों को मारूंगा। और दुर्योधन से कह दिया, अपनी पत्नी भानुमती को ले आना, मैं रात में उसको आशीर्वाद दूंगा, अखंड सौभाग्यवती भव। लेकिन भगवान को कहां चैन मिलता, वो तो रात में पांडव सो रहे हैं मस्ती से, भगवान जाग रहे हैं, क्योंकि भगवान को चिंता है। भगवान ने द्रौपदी को उठाया, लेकर के चले रात में दीपक जला करके अपने ध्यान में मग्न पितामह भीष्म। भगवान गए, द्रौपदी से कहा, देवी जाओ भीतर, पितामह को प्रणाम करो, आशीर्वाद ले लो। द्रौपदी जाने लगी तो चप्पल पैर की पादुका आवाज करने लगी, भगवान बोले देवी इसको उतार दो। भगवान ने चप्पल अपने पास रख ली, द्रौपदी जी गई धीरे धीरे, पितामह भीष्म के चरणों में जाकर के प्रणाम किया, उन्होंने आशीर्वाद दिया, अखंड सौभाग्यवती भव। द्रौपदी जी बोली, ये क्या हुआ, आपने तो मेरे पांचों पतियों को सुरक्षित कर दिया। पितामह भीष्म ने नेत्र खोले, देवी आप? बोले हाँ पितामह मैं। बोले देवी मैं पक्के विश्वास के साथ कह सकता हूं, तुम्हारी अकेले में इतनी हिम्मत नहीं है, तुम आ जाओ। कहाँ है वो मोर मुकुट वंशी वाले? बोले बाहर है। जब बाहर दर्शन करने गए, वो तो ठाकुर जी तो निश्चिंत हो गए, द्रौपदी की चप्पलों की तकिया बना करके ऐसे सिर के नीचे लगाई, पीतांबर ओढ़ के आराम से लेटे हुए हैं, कोई चलता ही नहीं है। कैसी दया आपकी, अपने भक्तों के लिए कुछ भी कर सकते हैं, मेरे प्राण को रखने के लिए, मेरी सौगंध को जीवित रखने के लिए भगवान ने अपना प्राण त्याग दिया। प्रेम से कहें जय श्री राधे, जय श्री राधे। पितामह भीष्म ने सौगंध खाई, आज जो हरि ही न शस्त्र कहाऊं, तो लाजो गंगा जननी को शांतनु सुतना कहाऊं, स्यलदन खंडी महारथ खंडो कपित ध्वज सहित डुलाऊं, और इतीला करो शपथ मोहि हरि की क्षत्रिय गति ही ना पाऊं, पांडव दल सन्मुख हुए धाऊं, सरिता रुधिर बहाऊं, और सूरदास रणभूमि विजय बिन जियत ना पीठ दिखाऊं, आज जो हरि ही ना शस्त्र गहाऊं। भगवान ने प्रतिज्ञा ली थी कि मैं महाभारत में अस्त्र शस्त्र धारण नहीं करूंगा, लेकिन पितामह भीष्म ने आज प्रतिज्ञा ली।
आज अगर मैंने भगवान के हाथों में अस्त्र शस्त्र धारण नहीं करवाया तो मेरा नाम भीष्म नहीं, मैं गंगा पुत्र भीष्म नहीं। कपित ध्वज के साथ अगर मैंने पांडवों के रथों को नहीं डुला दिया, सरिता अगर रक्त की ना बहा दी, अगर मैंने जीते जी पीठ दिखाई तो मुझे इति ना करो शपथ मोहे हरि की, मैं भगवान श्री कृष्ण की ही सौगंध खाता हूं। और ऐसा ही किया, इतने बाण चलाए बेचारे अर्जुन बिल्कुल त्रस्त हो गए, परेशान हो गए, गंभीर रूप से घायल हो गए। भगवान तुरंत रथ पर से उतरे और वो रथ का पहिया उठाया और एकदम दौड़े भगवान ऐसे रथ के पहिये को उठा करके। पितामह भीष्म उस झांकी का स्मरण करते हुए प्रणाम करते हैं, धन्य है वो भक्तवत्सल, धन्य है वो कृपालु। मारने नहीं आ रहे हैं, वचन रखने आ रहे हैं, मेरी प्रतिज्ञा शेष रह जाए इसीलिए प्यारे प्रभु आ रहे हैं। और वो भगवान का जो पटका था वो उतर के नीचे गिर गया, मानो पृथ्वी को आश्वासित कर रहा हो तू कांप मत, भगवान तो लीला रच रहे हैं, क्रोध नहीं कर रहे हैं। ऐसे पितामह भीष्म ने भगवान के श्री चरणों में बारंबार प्रणाम किया। 145 वर्ष की अवस्था में माघ शुक्ल अष्टमी के दिन पितामह भीष्म ने शरीर का त्याग किया, लेकिन भगवान का दर्शन करते करते हम और आप लोग सब पितामह भीष्म के श्री चरणों में प्रणाम करते हैं। जिनको दर्शन देने भगवान आए, कुछ देर तक शांति रही, फिर देवताओं ने आकाश से पुष्प वर्षाए, बाजे बजाए, जय जयकार करी है। बोलिए श्री भीष्म जी महाराज की जय, बोलिए श्री भक्तवत्सल भगवान की जय, श्री बांके बिहारी लाल की जय, जय जय श्री राधे। क्या पितामह भीष्म के चरित्र के साथ आज की कथा और वाणी को विश्राम की ओर ले चलते हैं। और अभी हम और आप लोग सुंदर श्रीमद् भागवत महापुराण की आरती करेंगे, शेष चरित्र कल की कथा के प्रसंग में प्रेम के साथ भाव के साथ आरती करेंगे। जय श्री राधे।